आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा थाना में फिर से जनता दरबार लगा, जिसमें 6 मामले आए हैं नए। कई मामले जो पिछले बार था, पिछले बार ही उसको निष्पादित कर दिया गया। कई मामलों को जो है सो नापी का आदेश दिया गया। देखिए, छोटे छोटे विवाद हैं, छोटा छोटा मामला है, अगर आपस में ही मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कर लिया जाए तो निश्चित रूप से अदालतों में जमीन संबंधित मुकदमों की कमी हो सकती है। अंचलाधिकारी श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि 6 मामले आ जाए, जिसमें एक डूमर पोखर का भी मामला है और कई नगर का भी मामला है जिसमें नापी का आदेश दिया गया। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। पापा का या पति का? पिता का नाम दिनेश प्रसाद माथुरी, पति का नाम हृदय लाल। क्या मामला था? ये हमारी जमीन है। बोलते जाइए। ये हमारी जमीन है जिस पे जबरदस्ती अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसके लिए कौन कब्जा कर रहे थे? बालकृष्ण पंडित। अच्छा, इनकी पत्नी के नाम पे जमीन है, द्रौपदी देवी। अच्छा, तो फिर आप मामला लाए यहाँ जनता दरबार में? वहाँ पे पहले हम नापी करवाए, नापी चली रही थी कुछ दिन। बीच में एक बार मुझे गया जाना पड़ गया किसी काम से, उसी बीच में इन्होंने हमारे पापा को साइड करके अमीन का बात नहीं माना, काम लगवा दिया रातों रात। एक साइड से 2 फीट का दीवार उठा दिया। फिर अगले दिन हमें पापा खबर किए तो वहाँ से हम काम छोड़ के दौड़े भागे आए हैं और थाना में गुहार लगाए, हाथ पैर जोड़ के 144 जमीन पे करने का आग्रह किया। अच्छा, उसके बाद फिर नापी की भी आपने बात की है? हाँ, फिर सीओ ऑफिस गए। तो नापी से जो मामला आएगा वो मान्य होगा ना, जो सरकारी जमीन या फिर जो बिना? मान्य होगा। ठीक, एकदम मान्य होगा, उसमें जो भी फैसला होगा वो सभी एकदम स्वीकार। झाझा श्रीनिवास जुड़ रहे हैं। कितने मामले सर आए आज आपकी अदालत में? जनता दरबार में 6 मामले आए हुए हैं। कितने मामले? 6 मामले। ऑन द स्पॉट कितना निष्पादन हुआ? 5 को निष्पादित किया गया है, जिसमें सभी को अंचल अमीन से नापी कराने के लिए निर्देश दिया गया। अच्छा अच्छा, तो आज केस लंबित है, उसको नोटिस दिया जा रहा है। जी जी जी, लंबित मामले को काफी निष्पादन आज किया गया। अगले शनिवार को लंबित मामले का। अच्छा, मनीषवार उसी दिन फैसला हो गया था। आज जो मामले हैं वो आज फ्रेश मामले हैं? आज फ्रेश मामले, 6 मामले टोटल। टोटल 6 मामले। ठीक, एक और जमीन नापी का जो मामला आया था, वहाँ आपका निशा जी का, और एक और है निशा जी का जो आप बालमुकुंद पंडित, बालकृष्ण पंडित आज आया। हाँ, आज आया था। तो नापी को तो निर्देश दिया गया नापी के लिए, नापी करवाई। अच्छा, वो आवेदन देगा ना नापी के लिए? अंचल कार्यालय में आवेदन देंगे। मनोज राजा जुड़ रहे हैं। क्या मामला है बालकृष्ण? मामला सर, 2009 में हम जमीन लिए थे 52 डिसमिल 290 में। उसका 9 से ही हमारे दखल कब्जा में, रसीद कटाते आ रहे हैं। 23 तारीख से हम बाउंड्री वॉल दिला रहे थे, जिसमें कि हमारे पास आपत्ति करने के लिए आ गए ये 23 तारीख को दिनेश माथुरी जी और उनकी बच्ची जो हमारी बेटी के समान है। बोला नहीं, इसमें हिस्सा मेरा है। बोले 9 से मेरा कब्जा में 52 डिसमिल, मेरा 52 डिसमिल जमीन एक प्लॉट में 290 में, इसमें तुम्हारा कहाँ हुआ बेटी? तो बोला अंकल नापी करा लिए। तो नापी भी 3 दिन करवाए, फिर हमने बाउंड्री भी दिलवाने लगे। जब बोला अमीन साहब, बोला आपका जमीन है, फिर दोबारा, जबकि 9 में हमारा अमीन साहब नाप दिए थे 10 दिन, और सबका 52 डिसमिल दोनों तीनों पासवान जी के था, 52 सवा 52 मेरा हिस्सा में था। तो हमने अपन दखल कब्जे में थे। उसके बाद ही जो लोग बोला थाना से गया, थाना से गया, भाई रोक दीजिए पंडित जी, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा थाना चलाने के लिए, ठीक है, आदेश सरकार का। सरकार फिर क्या आदेश हुआ? अभी अंचलाधिकारी झाझा थाने में मौजूद हैं कि जो आप लोग नापी करा लीजिए, उसके बाद अपने अपने जगह पर रहिए। आपका यदि जमीन है 52 290 में, तो 292 में 52 मिलेगा। इनका भी 290 में ही है क्या? ये बोल रहे हैं, लेकिन अब इनकी मायथी है, कागज बोलेगा 290 में। ये जो फैसला होगा ये मान्य करेंगे आप लोग? जी सर 290 में 6 एकड़ 31 डिसमिल जमीन है सर, और इनको जो दिया है उन्होंने दूसरा जगह भी देने के लिए तैयार है, लेकिन जो है ये जो है अभी कह रहा है पंडित जी के ही लगे, क्योंकि मेरा बुलडोजर नहीं है वैसा। नहीं है ये जमीन बाकी हाँ, ये तो सही है।
इसको देख लीजिए, इसको ना अवैध अगर पे केस कर देंगे एक आवेदन भाई रंगदारी वाला मैं पूछ लूँ सर से आदेश आया है जिसका जी आर 105/2017 और कैटिन सूट 317 चल जाए।